मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग शार्ट नोटिस पे जहाँ एसडीपी ऑफिस आए। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जम्मू जेएंडके पुलिस जो है उसने एक मुहिम जो है ड्रग्स माफिया के खिलाफ जो है वो छेड़ी हुई है। उसी कड़ी में जैसा आपको पता होगा कि पिछले दिनों हमने रोहित दत्ता नाम का एक जो बंदा था, अखनूर का रहने वाला है, उसका घर जो है वो अटैच किया। उसके साथ साथ हमने उसकी जो है गाड़ी भी जो है वो सीज की। तो उसी कड़ी के सिलसिले में कल देर रात का वाक़ा है, कोई 12:15 बजे का टाइम था। तो हमारी जो पुलिस पार्टी थी जिसकी की लीड जो लेड कर रहे थे वो हमारे अरुण शर्मा कर रहे थे, चौकी अफसर सिद्रा। तो ये बत्रा चौक पे नाका लगा था। तो दो बंदे जो हैं वो इंदिरा वाली साइड आ रहे थे नरवाल से, तो उन दोनों को जो है वहाँ पे रोका गया। जब उनको रोका गया तो उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन जो हमारे पुलिस के वहाँ पे अलर्ट जवान थे उन्होंने उनको पकड़ लिया। और जब उनको पकड़ा तो उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने अपनी पूछताछ में अपना नाम, एक ने अपना नाम बाग हुसैन सन ऑफ फिरोजदीन, रहने वाले जे कुला कलां आरसपुरा के हैं, जिनकी उम्र जो है 32 ईयर्स है। और जो दूसरे हैं उनका नाम मोहम्मद मंशा सन ऑफ शाह मोहम्मद आरओ वार्ड नंबर 4 ब्यासपुर परला आरसपुरा, और इसकी एज 30 ईयर्स है। इन दोनों को जब पकड़ा तो इनकी जो पर्सन सर्च जो है वो हमारी वो पार्टी वहाँ थी उन्होंने बामन लाई। और जब इन दोनों की पर्सन सर्च की गई तो दोनों से, बाग हुसैन से भी 250 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो रिकवर की गई, और 250 ग्राम जो है वो शाह मोहम्मद जो इसका साथी था उसकी भी पर्सन सर्च जब लाई गई तो वहाँ उससे भी 250 ग्राम जो है वो हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो रिकवर की। तो टोटल जो इसमें हमने 500 ग्राम हीरोइन जो है वो रिकवर की है। दोनों के खिलाफ जो है, उन दोनों के खिलाफ जो पर्चा जो है हमारे नगरोटा थाने में FIR नंबर 88/2023 अंडर सेक्शन, FIR नंबर 88/2024 अंडर सेक्शन 8, 21, 22, 29 NDPS एक्ट में जो है वो रजिस्टर किया गया, दोनों को अरेस्ट किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हम दोनों बंदों को अभी पकड़ा है इनके इसमें इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। इसमें हम पता कर रहे हैं कि ये दो बंदे जो हैं ये कहाँ से ये जो हीरोइन लाइक सब्सटेंस लेके आ रहे थे, इनकी हम बैकवर्ड लिंकेज भी काम कर रहे हैं, और इन्होंने आगे कहाँ देनी थी जो उसको हम फॉरवर्ड लिंकेज कहते हैं उस पर भी हम जो है काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। ये जो अप्रॉक्सीमेटली आप लगा लो कि 50 से 60 लाख जो है इसकी वैल्यू है, 60 लाख सर। इस पर भी आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि बिल्कुल इस पर हम जो है वो जांच कर रहे हैं, लेकिन जो हमने इनका पता किया है तो ये दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन अर्निया जो कि सब डिवीजन आरसपुरा में आता है वहाँ पर इनके खिलाफ FIR रजिस्टर है। जो इसमें एक बंदा जिसका नाम मोहम्मद मंशा है उसके खिलाफ FIR नंबर 63/2023 अंडर सेक्शन 279, 337 और 304A के तहत जो है IPC का पर्चा लगा हुआ है। और जो दूसरा है इसमें जिसका नाम बाग हुसैन है उसके खिलाफ भी FIR नंबर 31/2020 अंडर सेक्शन 427, 323, 341, 34 IPC जो है वो रजिस्टर है। तो ये दोनों जो हैं अब इस केस में जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं। तो हम इसमें डिटेल जो है वो तफ्तीश करेंगे और देखेंगे कि ये और कहीं तो मुलब्बस नहीं है, ये कहाँ से ये सामान लेके जा रहे थे और कहाँ लेके जा रहे थे। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये काफ़ी लोग जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो जम्मू पुलिस की जो कार्रवाई थी मुझे लगता है कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और ख़ासकर जो ड्रग माफिया जम्मू के बीच में एक्टिव है उसके खिलाफ आने वाले दिनों में हम इससे भी जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करने जा रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, मुश्किल चैलेंज नहीं है इसमें, मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आपके माध्यम से मेरी लोगों से ये है कि पेरेंट्स भी इसमें थोड़ा सा हमारी हेल्प करें, और इसमें जो हमारी NGOs हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा, सोसाइटी को भी आगे आना पड़ेगा। जब हम इकट्ठे होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस बवा को जम्मू से ज़रूर ख़त्म कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैंने बताना चाहूँगा कि अगर मैं जम्मू की बात करूँ तो जहाँ पे पिट NDPS में हमने काफ़ी ड्रग पेडलर को अंदर किया हुआ है, अगर मैं अपनी रूरल जोन की बात करूं तो हमारे रूरल जोन में ही 12 बंदे जो हैं आज की डेट में पिट NDPS में जो है वो अंदर हैं। और मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि इनकी हमने प्रॉपर्टी भी आजकल जो है वो सीज करना शुरू की है,
प्रॉपर्टी के साथ साथ अगर किसी की कोई गाड़ी है उसको भी हम सीज करने जा रहे हैं, तो इससे जो है वो ड्रग माफिया जो है उसके ऊपर काफ़ी जो है वो असर पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस बवा को सोसाइटी से ख़त्म करने में बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगी।